किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले उन्होंने किसान आंदोलन में बलात्कार होने की बात कही, जिससे पार्टी ने किनारा कर लिया था। अब कंगना ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू करने का यह सही समय है। पार्टी ने इस बयान से भी किनारा कर लिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करें। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कंगना रनौत चुनावी मुद्दा बन गई है। विपक्ष को चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नई संजीवनी मिल गई, जिसके जरिए वोटर्स में किसान आंदोलन के घाव फिर से ताजा हो गए। आपको बता दें कि कंगना ने तीनों कृषि कानून को फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। कंगना के इस बयान के बाद से विवाद होने लगा। विपक्षी नेता कंगना के इस बयान को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर हो गए। हालांकि बवाल बढ़ता देख कंगना ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली। मंडी सांसद ने कहा कि कृषि कानून को लेकर दिए गए बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। कंगना ने भले ही ये बयान वापस ले लिया हो, लेकिन सियासत में ये बयान भी अब चुनावी मुद्दा बना रहेगा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए, और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।